दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन इकोनॉमी का उद्घाटन लखनऊ विश्वविद्यालय के आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक अफेयर्स ने किया। डॉक्टर एसपी गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म स्टडीज लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर मनोज कुमार अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि देश के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक घटकों के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित हो। इस अवसर पर अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास में योगदान को रेखांकित किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन सचिव प्रोफेसर आलोक गोयल ने किया। इस अवसर पर विभाग की छात्राओं ने कुल गीत तथा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, शिक्षक संघ अध्यक्ष तथा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के प्रतिभागीगण उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रोफेसर आलोक गोयल ने कहा, इंग्लैंड की सोसाइटी और हिंदुस्तान की सोसाइटी में अंतर देखिए। जो लोग वहां रह चुके हो समझ सकते हैं, जिस दिन बच्चा पैदा होता है, द बेबी इज नॉट अलाउड आर नॉट अलाउड टू बियर चाइल्ड। हमारे यहां क्या है, बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ को उसका बोझ नहीं संभलता, उसके बावजूद माँ के गोद में खेलना चाहिए। क्राइसिस के रूप में हम लोगों ने देखा, सपोर्ट द फार्म सेक्टर दैट टाइम ऑल्सो, मीनिंग देयर बाय कि जो हम एक अपॉर्चुनिटी अगर इकोनॉमी ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ को ला करके बढ़ा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उसी कंडीशन को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चरल सेक्टर की स्ट्रेंथनिंग कर सकते, नहीं कर पाए। और एक और जबरदस्त चेंज आया 1960s, फार्म सोसाइटी जब बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद से शुरू हुआ। बिफोर दैट अगर हम देखते हैं तो फार्म इनपुट्स का परचेज, क्वांटिटी ऑफ परचेज वाज वेरी लो, फार्मर वाज सेल्फ सफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस, इवन द आउटपुट वाज लो। देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड, द इनपुट वाज टू बी परचेज, द डिग्री ऑफ इनपुट परचेज वाज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, मोर द कमर्शियल क्रॉप्स एंड मोर द इनपुट कॉस्ट, वेदर इट इज द फर्टिलाइजर, वेदर इट इज द सीड, वेदर इट इज द वाटर, वेदर इट इज द ऑपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, मीनिंग देयर बाय फार्मर्स का जो अपना ट्रेडिशनल पैटर्न था सेल्फ सस्टेनिंग का, उससे हमने उसको हटा दिया। वी शिफ्टेड ऑन परचेज इनपुट्स फॉर एवरीथिंग, इवन फॉर मार्केटिंग दे रिक्वायर्ड टू हायर ट्रैक्ट, बैलगाड़ी भी खत्म हो गई। इट मीन्स वॉट, वी कुड नॉट मेक इनबिल्ट मैकेनिज्म, जस्ट व्हेन वी गॉट द सेकेंड प्लान इट वॉज अ टाइप ऑफ मॉडल फॉर इंडस्ट्रियलाइजिंग द इकोनॉमी, इट वॉज नॉट अ मॉडल फॉर मॉडर्नाइजिंग द इंडियन इकोनॉमी। उस समय मॉडर्नाइजेशन का मतलब बड़ा लिमिटेड था, जो डुअलिस्टिक मॉडल में हम लोग पढ़ाते हैं वो था कि मॉडर्न सेक्टर को अगर केवल प्रमोट करेंगे तो बाकी का सेक्टर खुद ही प्रमोट हो जाएगा। इट डिड नॉट हैपन इन द इंडियन इकोनॉमी, जो इसका सबसे बड़ा वीकनेस था। नतीजा क्या हुआ, बाई 70s वी गॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड रिक्वायरमेंट्स, 80s आते आते इंडिया में फूड सरप्लस। अब दूसरी समस्या इस तरह से आई कि हाउ टू सेल दिस सरप्लस। सी द फार्मर्स प्लाइट, मैं यहां से इसलिए शुरू कर रहा हूं बिकॉज दिस इज द प्री डोमिनेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी स्टेट। दिस सेक्टर मे नॉट हेल्प द ओवरऑल इकोनॉमी टू ग्रो, बट दिस सेक्टर इज डेफिनेटली इंपैक्टिंग द ओवरऑल इकोनॉमी एंड इंक्लूसिव। इसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, मोर द सरप्लस प्रोडक्शन मोर द डिस्ट्रेस फॉर द फार्मर्स, लेस द प्रोडक्शन फर्दर डिस्ट्रेस टू द फार्मर्स। इट मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑप्टिमाइज द फार्म आउटपुट इन फेवर ऑफ द फार्मर्स।
तो बड़ा आजकल एक डिबेट चल रहा है, खासतौर पर पिछले 15 सालों से, हाउ टू कंटेन फूड इन्फ्लेशन। हु इज रिस्पॉन्सिबल विद दिस टाइप ऑफ फूड इन्फ्लेशन? एट लीस्ट नॉट द फार्मर्स। एंड इन्फ्लेशन इज ऑलवेज इनइक्विटस। Some amount of inflation is desirable in the economy, provided its benefits are percolating to different sections of the economy. But what is happening through food inflation? The real beneficiaries are middlemen, not the farmers. जबकि हम लोग 1964 से एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जिसका नाम बाद में बदल करके 80s में कर दिया गया, CACP कर दिया गया, इस तरह देखते हुए, यानी कि फार्म सेक्टर जिस पर हमारी 2/3 आबादी डिपेंड कर रही है, वी आर इग्नोरिंग। और जो वहां पर हमारा सरप्लस आया फूड का, दैट वाज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन इकोनॉमी, बट वी मिस्ड इट। द रिजल्ट, फार्मर्स क्राई। लगातार आप देखिए 1980s के बाद फार्मर की स्थिति लगातार खराब होती है। अगर आप उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड से निकाल करके देखते हैं, तब भी इट हैज नॉट बीन इन फेवर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स। हु आर द मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स? फूड ट्रेड प्रोड्यूसर फार्मर्स आर द मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स। सो दे हैव नॉट बीन द बेनिफिशियरी ऑफ सच टाइप ऑफ प्रोडक्शन। Now coming to the another sector, that is the industrial sector, जिसको हमने बुनियाद के तौर पर शुरुआत किया था 1950s में। मैं प्रोफेसर आलोक कुमार गोयल, आयोजन सचिव हूँ इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य विषय है पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन इकॉनमी। इस विषय पर आज उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के आचार्य और लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 3 संस्थानों के डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार अग्रवाल जी हैं, जो अपना उद्बोधन दे रहे हैं। कार्यक्रम में देश के विभिन्न महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के टीचर्स और रिसर्चर्स प्रतिभाग कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2 दिन के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंथन करने के बाद कुछ ऐसा निकल पाएगा जिसे एक प्रदेश और राष्ट्र की आर्थिक नीति में एक हम कहें कि एक उनको आसानी होगी, एक हम कहें कि ये कह सकते हैं कि उसमें बदलाव लाने के लिए एक मंथन किया जा रहा है कि किस तरह का परिवर्तन किया जाए ताकि गेम चेंजर के रूप में साबित हो। कौन से ऐसे पैराडाइम शिफ्ट हैं या कौन से ऐसे पैराडाइम शिफ्ट हो सकते हैं जिनसे अर्थव्यवस्था की गति को निरंतरता मिल सकती है या तीव्रता मिल सकती है।